चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप ना जाने कितनी क्रीम्स, फेस पैक, फेस स्क्रब और ना जाने कितनी चीजों का इस्तेमाल करती होंगी, पर क्या आपने कभी बर्फ का इस्तेमाल किया है? Hey guys, hello and welcome back to my channel Be You Be Confident and this is Nisha. So today I'm going to talk about the beauty benefits of applying ice cubes on your face. आज मैं आपको एक ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ जिसकी कॉस्ट जीरो है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर जरा सा भी पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो गाइस, बर्फ एक अमेजिंग ब्यूटी प्रोडक्ट है। इसे आप कई तरह की स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। सो जल्दी से बर्फ के अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो ये देखने में बेहद वियर्ड लगते हैं, बहुत ही गंदे लगते हैं और साथ ही साथ इनमें बहुत सारी गंदगी और ऑयल जमा हो जाता है जिसकी वजह से आपको एक्ने, पिंपल्स वगैरह की परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं और आपका फेस धीरे धीरे डल पड़ने लगता है। सो गाइज, आइस क्यूब्स का जब इस्तेमाल आप अपने फेस पर करते हैं तो ये ओपन पोर्स को श्रिंक करता है, उन्हें टाइट करता है और साथ ही साथ फेस से ऑयल को कम करता है, रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन कम होता है तो एक्ने भी कम होते हैं और पिंपल्स भी कम होते हैं। इसके लिए आप ग्रीन टी के आइस क्यूब्स का यूज कर सकते हैं या फिर क्यूकम्बर आइस क्यूब्स का यूज कर सकते हैं या फिर प्लेन आइस क्यूब्स का भी यूज कर सकते हैं। इसको डेली यूज करिए, धीरे धीरे आपको अपनी स्किन में फर्क नजर आने लगेगा। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है वो है पफी आईज और पफी फेस के लिए। आप जब मॉर्निंग में सोकर के उठते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि आपका फेस थोड़ा सा सूजा हुआ लगता है और आपकी आईज भी थोड़ी सी सूजी हुई लगती है, तो पफी आईज और पफी फेस के लिए आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करना बेहद फायदेमंद है। तो आप मॉर्निंग में एक छोटा सा आइस क्यूब अपने फेस पर और अपनी आईज के अराउंड रब कीजिए और देखिए कि आपकी सारी पफीनेस गायब हो जाएगी। नेक्स्ट बेनिफिट इज फॉर डार्क सर्कल्स। अगर आप डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आइस क्यूब रब करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, बट ध्यान रखें कि ये धीरे धीरे वर्क करता है। डार्क सर्कल्स के लिए आप चाहे तो रोज वाटर के आइस क्यूब्स जमा करके रख सकती हैं, एलोवेरा जेल के आइस क्यूब्स जमा करके रख सकती हैं या फिर क्यूकम्बर या ग्रीन टी के आइस क्यूब्स जमा करके रख सकती हैं और उनका यूज कर सकती हैं अपनी आइस के अराउंड इस सेंसिटिव एरिया को धीरे धीरे रब करने के लिए। आइस क्यूब थेरेपी आपके डार्क सर्कल्स की अपीयरेंस को काफी हद तक रिड्यूस करती है क्योंकि हमारे आइस के अराउंड एरिया काफी सेंसिटिव होता है, तो जब आप आइस क्यूब को डेली मसाज करेंगे तो धीरे धीरे उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है और डार्क सर्कल्स की अपीयरेंस कम नजर आने लगती है, बट ध्यान रखें कि ये धीरे धीरे ही काम करेगा। नेक्स्ट बेनिफिट इज फॉर पिंपल्स एंड एक्ने। पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम में। पिंपल स्पॉट पर जलन, रेडनेस, सूजन होना बहुत ही कॉमन बात है, तो जब आप पिंपल स्पॉट पर आइस क्यूब रब करते हैं तो इससे स्वेलिंग कम होती है, जलन कम होती है और रेडनेस कम होती है और पिंपल्स ट्रीट भी होते हैं। सो इसके लिए आप प्लेन आइस क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ग्रीन टी के आइस क्यूब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एक्ने एंड पिंपल से परेशान हैं तो आप प्लेन वाटर आइस क्यूब जमाने के बजाय उसमें एक चुटकी या दो चुटकी दालचीनी का पाउडर यानी कि सिनेमन पाउडर मिक्स कर दीजिए और उसे फ्रीजर में रख करके जमा दीजिए, क्योंकि दालचीनी में एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये आपके पिंपल्स को ट्रीट करने में बहुत कारगर है। नेक्स्ट बेनिफिट इज फॉर सनबर्न एंड सनटैन। ऑलराइट गाइज, अगर आप धूप में बहुत ज्यादा जाते हैं या आपका काम कुछ इस तरह का है कि आपको धूप में बार बार जाना ही पड़ता है, तो आप जानते ही होंगे कि आपको सन टैन किस तरह से अफेक्ट करता है और आपकी स्किन में सन बर्न्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है। सो गाइज, अगर आप सन बर्न वाले एरिया पर अगर आप आइस क्यूब की रबिंग करते हैं, मसाज करते हैं, तो आपकी स्किन सूद होती है और रिलैक्स होती है। इसके लिए आप एलोवेरा जेल के आइस क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्लेन आइस क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टैनिंग की वजह से अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल एंड डार्क हो गई है तो आप रॉ मिल्क यानी कि कच्चे दूध के आइस क्यूब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रॉ मिल्क में लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, तो ये सन टैन पर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। सो अगर आप रॉ मिल्क के आइस क्यूब डेली अपने फेस पर रब करते हो तो आपकी स्किन का खोया हुआ ग्लो वापस आ जाता है, टैनिंग रिड्यूस होती है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। नेक्स्ट बेनिफिट इज फॉर अब्सॉर्बिंग प्रोडक्ट्स क्विकली। अगर आप डे में स्किन केयर रूटीन करने के टाइम पर या नाइट में स्किन केयर रूटीन करने के टाइम पर कोई सीरम या स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करते हो और उसके ऊपर से अगर आप आइस क्यूब रब करते हो तो वो जो प्रोडक्ट आपने यूज किया हुआ होता है वो आपकी स्किन में अंदर तक पेनिट्रेट करता है और अंदर तक एब्जॉर्ब होता है और ज्यादा अच्छे से आपकी स्किन पर वर्क करता है। नेक्स्ट बेनिफिट इज फॉर रिड्यूसिंग फाइन लाइंस एंड रिंकल्स।
Alright guys, so wrinkles and fine lines होना एक common skin aging process है, but कभी कभी ये बहुत ही young age में start हो जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान होने लगते हैं, तो ऐसे में ice cube rub करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा. Wrinkles and fine lines को reduce करने में ice cubes काफी helpful होते हैं, इससे new production बंद होता है और जो already है उनकी appearance कम होती है. Next benefit is for a good makeup base. Guys, अगर आप मेकअप लवर हो और आप चाहते हो कि आपका मेकअप लॉन्ग लॉन्ग स्टे करे, बिल्कुल भी स्मज ना हो, ब्लीड ना हो, मेल्ट ना हो, तो सबसे पहले अपनी क्लीन स्किन पर आइस क्यूब रब करें. अपनी स्किन को एकदम क्लीन कर ले, फेस वॉश कर ले और मेकअप लगाने से पहले सबसे पहले आइस क्यूब रब करें और उसके बाद मेकअप स्टार्ट करें और उसके बाद देखिए कि आपका मेकअप कितना लॉन्ग स्टे करता है. जरा भी स्मज नहीं होता है, जरा भी ब्लीड नहीं होता है और जरा भी मेल्ट नहीं होता है. इसके अलावा ये स्किन की अदर प्रॉब्लम्स जैसे वैक्सिंग या थ्रेडिंग की वजह से अगर आपको स्किन इरिटेशन, रेडनेस या स्वेलिंग हो रही है तो उसमें भी काफी आराम पहुंचाता है और स्किन को काफी रिलैक्स एंड सूद करता है. इवन जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज करोगे तभी आपको इसका फर्क दिखना शुरू हो जाएगा. जब आप इसको पहली बार अपनी स्किन पर अप्लाई करोगे तो आप अपनी स्किन में एक पिंकिश ग्लो नोटिस करोगे. और अब मैं आपको बताऊंगी आइस क्यूब्स को अपने फेस पर कैसे यूज करें. गाइज, मैं इस तरह से आइस ट्रे में आइस क्यूब्स जमाती हूँ. जो ग्रीन वाले हैं वो ग्रीन टी के हैं, जो व्हाइट वाले हैं वो रॉ मिल्क के हैं और जो राइट साइड पर है वो प्लेन आइस क्यूब्स हैं, सिर्फ पानी के. इसके लिए मैं एक मसलिन क्लॉथ यानी कि मलमल का कपड़ा इस्तेमाल करती हूँ. अगर आपके पास मसलिन क्लॉथ नहीं है तो आप कोई भी कॉटन का कपड़ा या कॉटन का हैंकी यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर आइस क्यूब इस तरह से प्लेस करिए और इस तरह से उसको फोल्ड कर लीजिए ताकि वो आइस क्यूब क्लॉथ के अंदर ही रहे. कभी भी आइस को डायरेक्टली अपने फेस पर इस्तेमाल ना करें, इससे आपका फेस बर्न हो सकता है. गाइस, जब भी आप अपने फेस पर आइस क्यूब्स अप्लाई करने जाएं तो मेक श्योर कि आप अपने चेहरे से पूरी तरह से मेकअप को रिमूव कर दें. आपका चेहरा पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल भी मेकअप नहीं होना चाहिए. अभी आप देख सकते हैं कि मैंने मेकअप रिमूव कर दिया है और इस तरह से मैंने धीरे धीरे अपने फेस पर आइस क्यूब की मसाज करना चालू कर दिया है सर्कुलर मोशन में. एक आइस क्यूब को मेल्ट होने में 2 से 3 मिनट या 4 मिनट लगते हैं, तो मेक श्योर कि आप एक टाइम पर एक ही आइस क्यूब का इस्तेमाल करें और ज्यादा ओवरडू ना करें. एक आइस क्यूब इनफ होगा और अब आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी फ्रेश और सपल नजर आ रही है. So guys, that's all for today. I hope you find this video helpful. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो hit like, subscribe to my channel and press the bell icon so that आपसे मेरी कोई भी नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो जाए. मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर. दिस इज मी निशा साइनिंग ऑफ. स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल, बी यू एंड बी कॉन्फिडेंट.